हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे इंडियन क्रिकेट टीम फनीएस्ट रियल मोमेंट्स एवर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, जडेजा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ईशान यार, आपने 200 बना के आपने 3 मैच नहीं खेला यार। भैया कैप्टन तो आप, क्रिकेट फील्ड में मस्ती मजाक चलता रहता है और कभी फैंस क्रिकेटर्स के साथ मजाक करते हैं और कभी क्रिकेटर्स फैंस के साथ मजाक करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेटर की बहुत फनी वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ जो कि शायद आपने नहीं देखी होंगी, और मैंने इससे पहले इसका पार्ट 1 भी बना रखा है, उसे भी जाके जरूर देखना। यूजी चहल विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ बैठे होते हैं और यूजी अपने मजाकिया नेचर के लिए जाने जाते हैं, तो शायद उन्होंने रोहित शर्मा से कुछ मजाक कर दिया होता है जो कि रोहित शर्मा को पसंद नहीं आता, तो रोहित शर्मा उन्हें वहीं पे पीटने लग जाते हैं। और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी एक फैन यशस्वी जायसवाल को आवाज मार के बोलता है कि उनकी रोहित शर्मा से बात करा दे। ये वीडियो क्वारंटाइन की है जिसमें सारे क्रिकेटर्स इंस्टाग्राम पे लाइव आए होते हैं और रोहित शर्मा पूछते हैं चहल से कि वो रात भर किधर थे। चहल किधर था रात भर? रात भर आपके साथ ही था भैया। अक्सर न्यूज चैनल्स अपनी मन मर्जी से कुछ भी छाप देते हैं और बाद में कहा जाता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। ऐसी एक कंट्रोवर्सी के बारे में शुभमन गिल से पूछा जाता है जो कि उन्हें पता ही नहीं होती। थोड़ा सा पिच को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो क्या उस बात का इम्पैक्ट कहीं से था इंडियन टीम पर, इंडियन प्लेयर्स पर, आप लोगों की कुछ बात हुई थी? मुझे तो अभी पता लगा पिच के वर्ल्ड कप के टाइम का है क्या? रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव सैया गाने का चैलेंज ले रहे होते हैं और वो जो गाते हैं सैया 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 सैया। अच्छा विराट कोहली सुनील छेत्री के साथ लाइव आए होते हैं, तो उस लाइव में यूजी चहल घुस जाते हैं जिसे देख के विराट कोहली उनसे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तो जी चहल यहाँ भी आ गए। हेलो भैया, फ्रॉम होम। ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है। कोई बात कर रहा हूँ, बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसके घर नहीं आना वापस। यष्टिका भाटिया अपनी बैटिंग करने के लिए जा रही है। रविंद्र जडेजा से पूछा जाता है कि उनकी बॉलिंग का राज क्या है, तो जब ये सवाल पूछते हैं तो वो उसका जवाब नहीं देते और उसके पीछे वो बहुत ही बढ़िया रीजन भी बताते हैं। उसके पहले आपको कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि आपकी कुछ बैट्समैन ट्राई कर रहा है, तो अभी वो ज्यादा टर्न करने को ट्राई करता हूँ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ये बताऊंगा नहीं, आप इंग्लिश में छाप देंगे सामने वाले समझ जाएंगे। जब भी शुभमन गिल ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं तो ऑडियंस हर बार चिल्लाती है हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो, क्योंकि जब विराट कोहली सुनते हैं तो वो भी हंसने लग जाते हैं। जनता भी बहुत ज्यादा हरामी होती है, ये डायलॉग रिवर्स कर देती है और उसका मजा पूरी इंडिया टीम ले रही होती है। शिखर धवन जैसी चहल और उनकी वाइफ के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, तभी वो दिखाते हैं कि कैसे उनकी वाइफ ने उन्हें कूली बना रखा है और सारा वजन वही ढो रहे होते हैं। यूजी का सच हुआ पर्दाफाश। ये देखिए कूली बना हुआ, ये देखिए यूजी का सच हुआ पर्दाफाश। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं हमेशा सारा दुनिया का फोटो उठाती हूं। चलो वो हमारी नन्ही सी जान, उसका क्या?
जिसमें दो बैट्समैन खेल रहे होते हैं और एक आधा रन आउट भी हो जाता है, लेकिन ये क्लिप देख के आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कोई रन आउट हुआ या फिर कितने रन मिले। अगर आप समझ पा रहे हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना। 50 बने ना 100 बने। क्या हुआ? इस बार रन आउट हो सकते हैं। जिसमें ये बंदा बहुत एफर्ट डाल के जोक का तो बचा लेता है, लेकिन एंड में सब पानी पानी हो जाता है। कुछ दिस जॉनी ब्रेस्ट अपने बाइक से ग्राउंड में देख रहे होते हैं और जो साउथ अफ्रीका का कैमरामैन होता है वो बहुत ही तेज दिमाग चलाता है। वो पहले जॉनी की क्लिप दिखाता है, उसके बाद 7-8 लड़कियां दिखाता है जिससे ये लगता है कि वो लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं। चलो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इरफान पठान आईपीएल के कैमरामैन को पकड़ लेते हैं जो कि ज्यादातर लड़कियों को ही वायरल करते हैं, और उनसे जब ये बात पूछी जाती है तो भाई साहब मुकर जाते हैं। नहीं, ये तो कौन है बता, सच बता। मैं एक बस कैमरामैन हूँ, गरीब सा कैमरामैन बस। भाई साहब ये वही बंदा है जो वायरल करता है लोगों को, और खास करके युवराज सिंह शुभमन गिल को अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए देते हैं, लेकिन उनको गाड़ी चलाने नहीं आती तो वो गाड़ी को दूसरी गली से मोड़ कर लाते हैं, और जब आ जाते हैं तो युवराज सिंह उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जो कि चाइज भी होते हैं। बिंगो सिंह बताते हैं कि वो एमएस धोनी से मिले थे और एमएस धोनी ने उन्हें कुछ बात बताई थी। कोई विराट से मिले हो या माही भाई से मिले हो? कहा माही भाई से एक बात बात करी थी, मतलब उन्होंने कुछ बताया था, जो बताया मैं वो भूल गया। रिंकू सिंह और कुलदीप यादव के साथ बाहर घूम रहे होते हैं और वो उनसे बहुत ही अजीब आवाज निकालने को बोल रहे होते हैं। ये हमारे राजीव जी हैं। राजीव जी हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और अक्षर पटेल चिड़िया उड़ खेल रहे होते हैं और इन तीनों को देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा हमारी तरह। ये मैंने उड़ती है, मैंने उड़ती बाबर आजम को ग्राउंड में चोट लग जाती है और स्ट्रेचर को लाने में बहुत देर लग रही होती है, तो शोएब मलिक आते हैं और उन्हें उठा के ले जाते हैं। बस मैंने अपने चैनल पे ऐसी बहुत सी मजेदार वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मजेदार थे, मजेदार चिड़िया हूँ मैं ना, उनको मैं ही नहीं पता कहते मोर की बहन है ये तो मुझसे भी गाय गुजर है। और इससे मुझे याद आ रहा है ऋषि के साथ ना, जब मुझे उसे मारने का मन होता है ना, तो एक हमने वीडियो भी बहुत पहले बनाई थी जिसमें ये चिड़िया उड़ वुड़िया उड़ खड़ी थी, और मुझे पता है उसको इंग्लिश में कुछ बर्ड्स वर्ड्स पता होंगी, हिंदी के बोलोगे तो उसे पता ही नहीं होगा, तो वो गड़बड़ करता था, उसको बड़े हाथ पकड़ के जो मारते ना, बड़ा मारा था, इतना मारा था उसका हाथ ही लाल हो गया था। देखना बहुत पुरानी होगी, जब थोड़ा ये छोटा था तब तो बड़ा मजा आया था मुझे, वो ये सब याद आ रहा था कि कैसे खेलते थे, पर बड़ा मजेदार था कि इस तरह से गाने गा रहे हैं, शरारते कर रहे हैं, मतलब ये सब देखे ना मजा आता है, और देखे हंसी भी आ रही थी, कमाल का था ये, बड़ा ही मजेदार था, कमाल कमाल कमाल, मजा ही आ गया। नहीं, बहुत अच्छे मोमेंट्स है, बहुत अच्छा लगा, मजा ही आ गया। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।